नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश। मेरी वीडियो का आज का टॉपिक है जो कबूतरों के खड़ कर देते हैं और जगह और देशों में परपिटाई कहते हैं और यूपी में जो खड़ करना कहते हैं। वो खड़ करने के बाद में मैंने कबूतरों को मिक्स दाना दिया। मिक्स दाने में यह मिक्स दाना मेरा जो मिक्स दाना, इसमें गेहूँ, चने, मक्का, ज्वार, मूंग की दाल और बाजरा जो कबूतरों को मैंने खिलाया, जिससे कि मेरे कबूतरों के पास बहुत बढ़िया तरीके से आ गए। अब मैं इन कबूतरों को रोटी बना कर खिलाऊँगा। रोटी खिलाने के लिए मैं इनके लिए तेल फाड़ूंगा और तेल फाड़कर इन कबूतरों को रोटी खिलाऊंगा। वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि तेल किस तरीके से फाड़ा जाता है और तेल में क्या क्या चीज़ डाली जाती है। ये मेरा मिक्स दाना है और जो मेरे कबूतर सब एक्टिवेट है बढ़िया तरीके से, कबूतर सबके पास अच्छे तरीके से आ गए। जो मेरे कबूतर सीजन पर दौड़ेंगे ये सारे कबूतर मेरे दौड़ने वाले हैं, अब इनके पर आ चुके हैं। तेल फाड़ के फिर इनकी टिकिया और चिकनाव चालू करूँगा और जो उठा बैठी करा के फिर वो भी आपको दिखाऊंगा आगे बढ़िया। अभी मैं आपको आगे ये दिखाऊंगा कि तेल किस तरीके से फाड़ाया था और तेल में क्या क्या चीज़ डलती है। उसके तेल की मैं टिकिया भी खिलाऊँगा और चिकना भी बना के दिखाऊँगा आपको मैं। अब मैं आपको तेल फाड़ के दिखाऊंगा कि तेल किस तरीके से फाड़ा जाता है। अब मैं गैस पर आपको तेल फाड़ के दिखाऊंगा कि किस तरीके से तेल फाड़ा जाता है। उसी तरीके से आप चाहो तो तेल को फाड़ के अपने कबूतर को हल्का कुंदे बंदे सब उसके अच्छे हो जाएंगे और कबूतर धीरे धीरे उड़ने लगेगा। और तेल फाड़ने के लिए एक आम हल्दी की गांठ, 5 ग्राम काली मिर्च, 5 ग्राम सौर ये कूट कर उसमें डालना है, 1 लीटर कड़वा तेल, सरसों का 1 नंबर और उसमें 1 कप पानी डालकर खोलाना है, खोला के डालना है और जिस तरीके से मैं दिखाऊंगा आपको उस तरीके से बनाना है। तेल फाड़ना है, कबूतर के पर वगैरह आ जाते हैं जब उठा बैठे रहते हैं उसके लिए। अब मैं तेल फाड़ना है उसके फैला हूँ। ये मैंने गैस चालू कर दी और ये मैंने रखा भगवान भगवानी में ले लिया पानी, एक कटोरी करी आधा कटोरी करी पानी और ये मैं तेल और एक प्लेट को मैं आधा कटोरी पानी पीस के जब तेल गर्म हो जाए, गर्म होने के बाद में खोलने के बाद में उतार के ठंडा करके, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ठंडा करके इन चीज़ों को डालना है। मैं आपको डाल के दिखाऊंगा। ये तेल हमारा अब झक देना है, उबलना चालू हो गया। जैसे तेल अच्छी तरह फूल जाएगा फिर उसमें हम भी मसाले डालेंगे। अभी और फैलाएंगे, फैलाए पानी में कुछ सूख जाएगा, उसके बाद में ठंडा करके हम इन्हें मसाले डालेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं 5 मिनट।
ये गैस को उतार के हमने जमीन पर रख दिया ठंडा होने के लिए, हल्का सा जमीन आ रहा है, फिर हम उसमें मसाला डालेंगे। जी दोस्तों, तेल अभी गुनगुना है और इसमें अब ये मसाले 5 ग्राम काली मिर्च, 5 ग्राम सौंठ, 1 आम हल्दी की गांठ ये डाल देंगे। ये हम डाल दी, अब जो बिल्कुल ठंडा है तो एक डिब्बे में भर के रख लो और रोटी कभी बाजरे में 1 चम्मच डाल के चिकना के तौर से दो, क्योंकि कबूतर कुंदे कुंदे से उठे बैठे सही करेगा कबूतर और कबूतर हल्का हो जाएगा।